कल वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के तरफ से बंद का एहतजाज किया गया। सारे स्टेट में बहुत पुरसुकून से तरीके से जो है बंद किया गया है, क्योंकि पब्लिक का सपोर्ट है। जो पब्लिक चाह रही है, जो पब्लिक का हक है, जो आंध्र प्रदेश का हक है, उस हक के लिए जो वाई जगनमोहन रेड्डी साहब काम कर रहे हैं, उसको जो है पब्लिक समझ रही है। वो समझकर सारे बिजनेसेस, कॉलेजेस, स्कूल्स, एस्टैब्लिशमेंट्स, गवर्नमेंट ऑफिसेस, आज हर कोई जो है हमारी ताईद में, सपोर्ट में ठहरा है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के। तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे वाई जगनमोहन रेड्डी साहब का जो बेखौफ तरीके से, जिस तरीके से वो नरेंद्र मोदी साहब से और चंद्रबाबू नायडू साहब से जिस तरीके से लड़ रहे हैं, ये उसका नतीजा है। और कल जो है कांग्रेस पार्टी भी जो है कर्नूल में एक उनका पार्टी का प्रोग्राम था। बड़ी शर्म की बात है कि जब हम एपी के लिए स्पेशल स्टेटस के लड़ रहे हैं, उनके वजह से आज हमको नुकसान हुआ है आंध्र प्रदेश को, आप क्यों बंद में हमारे साथ क्यों शामिल नहीं करे? आपका क्या प्रोग्राम एक दो तीन घंटे आप जो है डिले नहीं कर सकते थे क्या? और आप उस प्रोग्राम में बोलते हैं कि बीजेपी, तेलुगुदेशम और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी साथ हैं। क्या ये सही नहीं है कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता को सुबह के 7 बजे के अंदर जो है अरेस्ट किया जाता है, रात के 1 बजे नोटिस दी जाती है, मगर कांग्रेस पार्टी के रैली के लिए, बाइक रैली के लिए, उनके प्रोसेशन के लिए पुलिस बंदोबस्त दिया जाता है? आज तेलुगुदेशम पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर स्टेट को जो है नुकसान पहुंचाना चाहिए। आज तेलुगुदेशम पार्टी एक तरफ बीजेपी से हाथ मिलाई हुई है तो एक तरफ कांग्रेस से हाथ मिलाई हुई है। ना बीजेपी देना चाह रही है स्पेशल स्टेटस, ना कांग्रेस देना चाह रही है, ना तेलुगुदेशम पार्टी देना चाह रही है। अगर कोई आदमी स्पेशल स्टेटस को जिंदा रखा है वो जगनमोहन रेड्डी साहब रखे हैं। और जगनमोहन रेड्डी साहब, आप तीनों से भी लड़कर इंशाल्लाह जो है वो एपी स्टेट के लिए स्पेशल स्टेटस लाएंगे और हम सारे आवाम की जो है खिदमत भी करेंगे उस स्पेशल।